जय हिंद। तो हम लोग आज एक लेक्चर क्लास में ले चुके हैं ऑफलाइन, और मैंने आपको ब्रीफ आइडिया आपके सिलेबस का और वो टॉपिक्स का दिया। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द यूनिट वन विद आर्किगोनियट्स और ब्रायोफिटिक फ्लोरा। विल डील विद इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स एंड ब्रीफ क्लासिफिकेशन टूडे। तो आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। So the group of plants which we call them as bryophyta, iska literal meaning or Greek meaning kya hai? Isko agar hum do parts mein baate, to bryon. Bryon means moss or mossy appearing plants. Moss kehlate hain generally or velvety appearance. And the phyton means plants. So if we combine the term mossy appearance or the plants with mossy appearance or velvety appearance are called as bryophyta. The term bryophyta was coined by Braun in 1864. He included, उन्होंने क्या क्या include किया in bryophytic plants में? Include किया algae, lichens and mosses, क्योंकि ये छोटे पौधे थे और इन सब की appearance soft, silky like और वेलवेटी लगती थी, तो उनको एक ही साथ इंक्लूड कर दिया और इनको कॉमन टर्म दी ब्रायोफाइटा और द प्लांट्स हैविंग मॉसी और वेलवेटी अपीयरेंस। दीज ब्रायोफाइटिक प्लांट्स वर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स एज वी डिस्कस इन द क्लास कि हम इनको क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम हम इनको कहते हैं। So why these are called as amphibians of plant kingdom? तो जिस तरह से कि amphibians among animals होते हैं, frog है आप लोग पढ़ते हैं, उसी तरह से जैसे frog को aquatic as well as terrestrial दोनों life की जरूरत है ना, वो दोनों पे रह सकता है तो amphibian कहलाता है। लेकिन plants, ये plants तो movable नहीं है कि वो land से plant में और plant से land पे चले जाएं, फिर भी हम इनको amphibians कहते हैं। क्यों कहते हैं amphibians? Because these are the terrestrial plants, ये तो लैंड पे रहती हैं, लेकिन इनको अपनी पूरी लाइफ साइकिल में कम से कम एक बार या लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। और वो लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है? थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होती है। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दीज प्लांट्स रिक्वायर वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो इनको दोनों हैबिट्स की जरूरत है, लैंड की भी और वाटर की भी जरूरत है। तो वाटर का मतलब वाटर इज एसेंशियल टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और दैट मे बी द रेन वाटर। अब ये वाटर में नहीं जाते, वाटर इन तक आ जाता है विद द हेल्प ऑफ रेन। तो इसका मतलब ये इसलिए एम्फीबियंस कहलाते हैं कि अगर रेन वाटर नहीं होगा तो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो द स्टडी ऑफ दीज ब्रायोफिटिक प्लांट्स द ब्रांच इज कॉल्ड एज ब्रायोलॉजी। और ब्रॉन को जिन्होंने की ये टर्म दी थी ब्रायोफाइटा, इनको हम कहते हैं फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। इसी तरह से इंडियन ब्रायोलॉजी भी डेवलप हुई स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो उसमें जो उनके जनक थे या फादर थे उनका नाम है शिवराम कश्यप। सो शिवराम कश्यप और शॉर्टली वी कॉल हिम एज एस आर कश्यप, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। Now coming to the distinguishing characters, देखिए बहुत सारे जो भी हम लोग ग्रुप्स पढ़ते हैं उसमें दो तरह से पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं कि साइलेंट फीचर्स, साइलेंट का मतलब सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पूरे ग्रुप का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करें जो भी उसमें पाए जाते हैं उसको जनरल कैरेक्टर्स कहते हैं। अब ऐसे कैरेक्टर्स जो इनको दूसरे ग्रुप से डिफरेंट करते हैं तो हम उनको डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स कहते हैं। वैसे तो डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स लिखना चाहिए, लेकिन डिस्टिंग्विशिंग का मतलब ये इस ग्रुप को डिस्टिंग्विश करते हैं अदर ग्रुप से, तो इनको हम डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन शॉर्ट नोट 3 नंबर का आता है, राइट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स। तो आप
ये चीज इंक्लूड करेंगे, और आएगा जनरल करेक्टर्स, तो जो कॉमन करेक्टर्स पाए जाते हैं इस ग्रुप में वो लिखे जाएंगे। अब सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आता है तो टर्म बता रही है कि दूसरे ग्रुप से समानता या डिफरेंस क्या होगा, और अगर हम लोग कहते हैं कंपैरिजन बिटवीन द टू ग्रुप्स तो उसमें समानता और अंतर दोनों लिखना होता है जहां कंपैरिजन आता है। तो यहाँ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स दे रहे हैं जो कि कुछ ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। These plants occupy a position between thallophytes and vascular cryptogams. So thallophytes कौन से group of plants हैं जो आपने first semester में पढ़े, algae हैं, तो lower than that of this group, और इनसे higher group के पौधे हैं pteridophytes। तो इन दोनों के बीच में ये अपनी position occupy करते हैं, तो ये इसका important character हो गया जो कि distinguish करता होगा algae और pteridophytes, इनके बीच में रखा गया। thallophytes में vascular system नहीं पाया जाता तो उनको non-vascular plants कहते हैं, और cryptogams vascular होते हैं tissue के साथ, तो pteridophyte vascular cryptogams कहलाते हैं और vascular plants भी इनको कह सकते हैं। तो इनमें बिल्कुल भी vascular tissue नहीं है, इनमें vascular tissue डेवलप्ड है। तो इन दोनों के बीच में ब्रायोफाइटिक प्लांट्स है, तो ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यू जैसी संरचनाएं होती हैं बट ट्रू वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता, यानी उनकी जगह कोई दूसरा टिश्यू सिस्टम एक्शन परफॉर्म करता है फॉर एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन एंड ट्रांसलोकेशन। तो इसका मतलब जाइलम और फ्लोएम जैसी संरचनाएं नहीं है लेकिन उनके कार्य करने के लिए कुछ विशेषीकृत कोशिकाएं होती हैं। सेकेंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है दे लैक टू रूट्स, इनमें टू रूट्स नहीं पाई जाती जैसे कि हायर प्लांट्स में होती हैं लाइक टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में, तब इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रूट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं। तो दीज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स आर राइजोइड्स, ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, तो इसीलिए इनका जो संरचना है वो डेफिनेटली डिफरेंट है। थर्ड डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर है दे लैक वैस्कुलर टिश्यू, जो हम लोगों ने फर्स्ट में भी क्रिप्टोगैम्स के साथ किया, इनमें ना तो जाइलम पाई जाती है ना फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, ना ही इनमें फ्लोएम पाई जाती है फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल। नेक्स्ट करेक्टर है दे डोंट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, है ना, इनमें फ्लावर्स और सीड्स का प्रोडक्शन नहीं होता, तो ये हायर प्लांट से लेस डेवलप्ड है। तो ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, थ्रू स्पोर्स। नेक्स्ट करेक्टर है इनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो ये एल्गी से डिफरेंट हो गए, एल्गी में एम्ब्रियो नहीं फॉर्म होता, जाइगोट बनता है और जाइगोट डिवाइड होकर के गैमेट्स बनाता है और गैमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब जाइगोट से एक नए तरह का टिश्यू बनना जो कि सिमिलर डिप्लॉयड टिश्यू हो वो नहीं होता एल्गी में, लेकिन इनमें एम्ब्रियो बनता है। तो यहां से लेके ऊपर के सारे पौधे यानी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये क्या कहलाते हैं, एम्ब्रियोफाइटा, बिकॉज दे आर हैविंग एम्ब्रियो। देन नेक्स्ट इज टू डिस्टिंक्ट फेजेस इन द लाइफ साइकिल आर प्रेजेंट, वन इज कॉल्ड एज गैमेटोफिटिक फेज, अनदर इज कॉल्ड एज स्पोरोफिटिक फेज। ये इनका डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है, दो क्लियर कट फेजेस होती हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होती हैं। है, इसका मतलब जब मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट टू फेजेस पाई जाती हैं तो हम इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाता है और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बनाता है, तो इस वो प्रक्रिया को अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, गैमेटोफिटिक जेनरेशन के बाद स्पोरोफिटिक जेनरेशन का आना और स्पोरोफिटिक के बाद वापस गैमेटोफिटिक जेनरेशन का आना, तो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। देन गैमेटोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी, सारी ब्रायोफिटिक प्लांट्स हैप्लॉइड होती हैं, गैमेटोफिटिक होती हैं, तो इनकी मेन प्लांट बॉडी या वेजिटेटिव बॉडी गैमेटोफिटिक होती है एज कम्पेयर टू हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में टेरिडोफाइट ऑनवर्ड्स, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म डिप्लॉइड होते हैं, दे आर नॉट हैप्लॉइड मीन्स दे आर स्पोरोफाइट। अब इनकी जो गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, ग्रीन होता है, ग्रीन का मतलब हम समझते हैं कि दे आर हैविंग क्लोरोप्लास्टिक टिश्यू मींस दे आर फोटोसिंथेटिक, दे कैन फॉर्म देयर ओन फूड, और ये फेज लंबी होती है गैमेटोफिटिक फेज। नेक्स्ट फेज इज स्पोरोफिटिक फेज, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर, तो या तो पार्शियली इंडिपेंडेंट और पार्शियली डिपेंडेंट हम इसको कह सकते हैं।
कभी कभी फूड मटेरियल के लिए डिपेंड करता है, और जब हायर ब्रायोफाइटिक प्लांट्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये खुद अपना भोजन बना सकता है, इसमें क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट होती है, फिर भी ये डिपेंड करता है गैमेटोफाइट के ऊपर। ये फेज नॉन ग्रीन होती है जनरली और शॉर्ट होती है। नॉन ग्रीन का मतलब ये खुद अपना भोजन जनरली नहीं बना पाते एक्सेप्ट सम जीनस। तो ये इनके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं जो हमने लिए। तो हम ब्रायोफाइटिक प्लांट्स को कैसे पहचाने, क्लास में हमने कहा था कि हम छू करके देख करके उनको पहचान सकते हैं इजीली, बिकॉज दे आर हैविंग वेलवेटी अपीयरेंस। नाउ कमिंग टू ब्रीफ डिस्ट्रीब्यूशन, इनका पृथ्वी पे कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। ब्रायोफाइट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 960 जीनस एंड 24,000 स्पीशीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे आर कॉस्मोपॉलिटन, देखिए टर्म आई है कॉस्मोपॉलिटन का मतलब सर्वव्यापी, ये हर जगह पाए जा सकते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पर्सल इजी है। एंड आर फाउंड ग्रोइंग बोथ इन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जनरली एट द एल्टीट्यूड ऑफ 4,000 to 8,000 feet, इतनी हाइट तक भी पाए जा सकते हैं। अब टेम्परेट और ट्रॉपिकल की बात आ रही है, तो जैसे क्लास में भी समझाया था, फिर एक बार बताते हुए आपको कि अगर हम अर्थ को स्टडी करें तो अर्थ में हम कहते हैं गोल नहीं है, थोड़ी चपटी है, तो इसका मतलब बीच में जो रेखा होती है, दिस इज है ना जो सेंट्रल लाइन है, इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन और इक्वेटर और मेडिटेरेनियन लाइन है ना, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से दोनों तरफ के रीजन जो रेड कलर से दिखाए हुए हैं, दीज आर वेरी हॉट है ना, ये रीजन्स क्या है, बहुत गर्म होते हैं, इनको हम ट्रॉपिक्स कहते हैं। ये जो रीजन्स हैं ये बहुत गर्म हैं, ये इसको हम क्या कह रहे हैं, मैंने इसको लाइन किया, दिस इज ट्रॉपिक्स, या उष्णीय प्रदेश कहलाते हैं, बहुत गर्म होते हैं जो कि इक्वेटर के पास होते हैं, वेरी हॉट। इसके दोनों तरफ जो येलो जोन्स दिखाई गई हैं ये वार्म होते हैं, यानी इसमें जैसे हमारी कंट्री है, जाड़ा भी गर्मी भी दोनों रीजन होते हैं सीजन्स, और उसके साथ बरसात भी होती है, तो वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट सीजन्स। तो यहाँ पर ये वार्म कंट्रीज कहलाती हैं, इनको हम कहते हैं टेम्परेट जोन्स, ये दोनों तरफ होते हैं है ना। उसके बाद जो ब्लू लाइन दिखाई गई या ब्लू जोन दिखाया गया है, ये एक तरह से आइस और कूलिंग जोन यानी कोल्ड जोन दिखाए गए हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये थोड़े ठंडे हो जाते हैं। तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड कोल्ड, तो हम लोगों का रीजन जो है वो टेम्परेट और हॉट के बीच में आता है यहाँ पर। तो ये ट्रॉपिक्स के दोनों तरफ जहाँ टच लाइन होती है, देखिए मैं लाइन से बनाने की कोशिश कर रही हूँ आपके लिए, ये रीजन्स इसमें शो नहीं किए गए हैं, तो कहलाती जनरली ट्रॉपिकल है। तो ट्रॉपिक्स बहुत हॉट होते हैं, और ये जो जोन मैंने बनाई दोनों के बीच में, ये सब ट्रॉपिकल जोन कहलाती है। तो सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर के पास और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन के पास होती है ये जो लाइन्स हैं हमारी, तो यहाँ पर ये सब ट्रॉपिकल कंट्रीज होती हैं। उप उष्णीय प्रदेश जहाँ पर गर्मी होती है अच्छी और जाड़ा भी होता है, और टेम्परेट जोन में थोड़ा कूलिंग होता है यानी वार्म होता है और कोल्ड ज्यादा होता है। और उसके बाद जो ब्लू रीजन है ये कोल्ड यानी पोलर जोन्स कहलाते हैं, तो ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, तो यहाँ पे ज्यादा ठंड और बर्फ रहती है, तो वहां पर रेयरली ब्रायोफाइटिक प्लांट्स पाए जाते हैं। और बाकी ट्रॉपिक्स में, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में ये कॉमनली पाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम अब स्पेसिफिकली विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया बात करें कि इंडिया में कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट हैं, तो ये प्लेन्स और हिली एरियाज दोनों में पाए जाते हैं। इन हिली एरियाज ब्रायोफाइट्स आर क्वाइट अबंडेंट है ना, हिल्स में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इनको वो कूल और ह्यूमिड एटमोसफेयर मिलता है यानी नमी वाला ठंडा जगह मिलती है। जनरली नीलगिरी हिल्स और हिमालयाज में ये दोनों जगह बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे कुल्लू, मनाली, शिमला, दार्जिलिंग, डलहौजी एंड गढ़वाल है ना, ये सब हिली एरियाज हैं जो कि जहाँ पर ये कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और इनकी अच्छी ग्रोथ होती है जिसको कहते हैं लग्जोरियंट ग्रोथ। ईस्टर्न हिमालयाज हैव द रिचेस्ट इन द ब्रायोफाइटिक फ्लोरा, कहते हैं ईस्टर्न हिमालयाज में सबसे ज्यादा रिच
बायोफेटिक फ्लोरा होता है, जहां भी नमी होती है, इवन हिल्स के ऊपर, ट्री ट्रंक्स पर, ग्राउंड पर, जहां भी नमी और ठंडा रहता है वहां ये आराम से ग्रो करते हैं। अब अगर हम लोग प्लेन एरियाज यानी धरातल एरियाज की बात करें तो कुछ स्पीशीज पाई जाती हैं, जैसे रिक्शिया, मार्केंशिया, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे नाम के साथ मंडे को, देन फ्यूनेरिया, दे अकर इन द प्लेन्स ऑफ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात एंड साउथ इंडिया। तो कुछ जीनस जो हैं वो प्लेन्स में पाए जाती हैं। इन हिल्स दे ग्रो ड्यूरिंग द समर एंड रेनी सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ कि समर और रेनी सीजन में ये हिली एरियाज में अच्छे से ग्रो करते हैं, लेकिन विंटर सीजन इनका रेस्टिंग पीरियड होता है, ये उस समय ग्रो नहीं करते। क्यों नहीं ग्रो करते? क्योंकि विंटर्स में अगर स्नोफॉल हो जाती है तो इनके टिश्यू थॉ हो जाते हैं, थॉ का मतलब फट जाते हैं, ब्रेकअप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बर्फ, क्योंकि ये वाटर स्टोरेज कर सकते हैं, इनमें कैपेबिलिटी होती है, थैलॉइड फॉर्म्स होती हैं और ये वाटर को स्टोर और रिटेन कर सकते हैं। तो अगर जब बर्फ जैसी जम जाएगी तो इनके टिश्यू में भी बर्फ जम जाएगी और वो फट जाएंगे, ब्रेकअप हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समर और रेनी सीजन में हिल्स में ग्रो करते हैं। और अगर हम लोग प्लेन्स की बात करें तो इन प्लेन्स द रेस्टिंग पीरियड इज समर, उल्टा होता है। प्लेन्स में हमारी जैसी जगह पर गर्मी में ये ग्रो नहीं करते, ये विंटर में ग्रो करते हैं और रेनी सीजन में ग्रो करते हैं इन द प्लेन्स। अगर हम बलिया की बात करें तो हमारा तो प्लेन्स हो गया, इन धरातल एरिया है, तो यहाँ पर ये रेनी और विंटर्स में ग्रो करते हैं और इजिली दिखाई देते हैं, वॉल्स पे लगे हुए दिखाई देते हैं। रेनी सीजन में भी नीचे जो ईंटें बिछी होती है उनके बीच में, पत्थरों के बीच में, सॉइल के ऊपर इजीली हम लोग इनको देख सकते हैं। तो उल्टा हो गया, हिल्स में विंटर रेस्टिंग पीरियड है और प्लेन्स में समर रेस्टिंग पीरियड होता है इनका। तो ये एक पेपर है, अगर आप लोग चाहें, मैं इसको डिटेल पढ़ नहीं रही हूँ, ये इंडियन बायोलॉजिस्ट का पेपर है, सतीश एस एंड रामाचंद्रन के, 2013 में पब्लिश हुआ था। अगर आप इसको स्नैपशॉट ले लें या मैं आपको भेज भी दूंगी इसको, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, क्योंकि बहुत डिटेल में आपके कोर्स में नहीं है इसलिए मैंने इसको बहुत डिटेल नहीं ले रही हूँ। इसमें कितने टैक्सा है, कितने जीनस, कितनी स्पीशीज हैं जो इंडिया में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है दिया हुआ है। तो ये रेफरेंस है आपके लिए। देखिए, अब हम लोग देखें कि हम लोग डिफरेंस कर रहे थे जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स थे, तो ये मैंने सारी एल्गल प्लांट्स दिखाए हैं आपको। तो दिस इज ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, जो कि वाटर बॉडीज के आसपास मेरीन कंडीशन में पाई जाती है। ये ब्राउन एल्गी है, कलर शो कर रहा है, ये ग्रीन एल्गी है, ग्रीन और ब्लू ग्रीन में अंतर होता है। ये ब्लूइश ग्रीन है और ये टोटल ग्रीन होती है, यानी डार्क कलर में, और ये रेड एल्गी है। तो हम एल्गी को इनके कलर्स से और इनके डिस्ट्रीब्यूशन से भी पहचान सकते हैं। जनरली दे आर एक्वेटिक, है ना, पानी में पाई जाती हैं, और या फिर जहां पर ज्यादा पानी है जैसे हैंडपाइप के नीचे या कहीं नल के नीचे जहाँ पानी चलता रहता है तो वहां ये इजिली ग्रो करती हैं। तो दे आर स्लाइमी, है ना, चिपचिपी, चिकनी, क्योंकि इनमें म्यूसिलेज होता है, तो हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं दूसरे प्लांट से। सो इफ वी गो फॉर फर्दर स्लाइड, देखिए ये ब्रायोफाइटिक प्लांट्स हैं, है ना, तो इनमें अलग अलग फॉर्म्स हैं और ये जनरली लोअर ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स हैं जो कि थैलॉइड फॉर्म्स होते हैं, थैलस लाइक। इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, लीफ लग रहा है लेकिन दिस इज थैलस, है ना, ये फ्लैशी होता है, वाटर एब्जॉर्ब करके रख सकता है। तो ये केवल आपको बताने के लिए कि किस तरह के इनके टेक्सचर होते हैं, हम इनको पहचाने। तो इसमें जो दिखाया गया है, इसमें रिक्शिया दिखाया गया है, दिस इज रिक्शिया, ये रिक्शिया का फिगरिस्टिक व्यू है, यानी ये किस तरह से ग्रो करता है, डाइकोटोमी होती है, यानी हर बार टू में डिवाइड होता है। ये रिक्शिया ग्लौका है, कई स्पीशीज है, यहाँ मैंने केवल ग्लौका शो किया है। और ये रिक्शिया फ्लुइटेंस है जो कि वाटर में पाया जाता है, दिस इज एक्वेटिक स्पीशीज ऑफ रिक्शिया। तो ये लैंड पे भी है एक स्पीशीज, दूसरी एक्वेटिक है, दोनों में डिफरेंस है। जब आप डिटेल पढ़ेंगे जीनस तो मैं आपको बताऊंगी इनके बारे में। देन मार्केंशिया है जो लोअर ग्रुप है, हिपेटिकॉप्सिडा क्लास का मेंबर है, प्लेजियोकाज्मा है, ये भी हिपेटिकॉप्सिडा मेंबर है। तो इस तरह से ये दिखाई देते हैं, इनके ऊपर ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं जो कप लाइक होती हैं, जिनको जेमा कप कहते हैं। तो ये जनरल थैलॉइड फॉर्म्स है, एक व्यू बताने के लिए कि एल्गी से आप इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये स्लाइमी नहीं होते, चिपचिपे चिकने नहीं होते, दे आर वेलवेटी।
अब ये लीफी लिवरवर्ट्स हैं, यानी इनको भी हेपेटिक ऑप्सिडा के सारे मेंबर्स को लिवरवर्ट्स कहते हैं, क्योंकि इनका टिश्यू जो है या बॉडी जो है वो लिवर लाइक दिखाई देती है ना, लगता है कि फ्लैशी फ्लैशी टाइप है ये। तो ये लीफी हैं, देखिए इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होने लगे हैं, ये भी लिवरवर्ट्स ही। इनमें पोरेला एग्जाम्पल है, बजानिया है, फ्रुलेनिया है। ये केवल एक जानकारी के लिए आपको कि कुछ नाम आप लोग पढ़ें और जाने कि ये ब्रायोफिटिक प्लांट्स कैसे दिखते हैं। ये है अगला ग्रुप है जो हमने कहा था आपको एंथोसिरोस पढ़ना है, एंथोसिरोटॉप्सिडा का मेंबर है। तो ये उसके मेंबर्स है सारे, जिसमें एंथोसिरोस आपके कोर्स में है, ये आपके कोर्स में है। दूसरा मेंबर है डेंड्रोसिरोस, तीसरा है नोटोथाइलस, चौथा है इसमें फियोसिरोस। तो इसमें 5 to 6 मेंबर्स ही हैं केवल एंथोसिरोटॉप्सिडा में, एंथोसिरोस आपके कोर्स में है। इनको हम हॉर्नवर्ड्स कहते हैं। क्यों हॉर्नवर्ड्स कहते हैं? ये आप जो देख रहे हैं बॉडीज है ना बाहर निकली हुई, ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर स्पोरोफाइट है ना, ये स्पोरोफाइट है। ये स्पोरोफाइट जो है इसका हॉर्न लाइक होता है, जैसे सींग लगे हुए हों किसी एनिमल के, इसीलिए इनको हम हॉर्न वर्ड्स कहते हैं। और ये हायर ग्रुप ऑफ ब्रायोफिटिक प्लांट्स यानी ब्रायोप्सिडा के मेंबर हैं, जिनको हम जनरली मॉसेस कहते हैं। देखिए उनसे अंतर हो गया हेपेटिक ऑप्सिडा एंथोसिरोटॉप्सिडा से, इनमें लीफी अपीयरेंस है और ये मखमली ग्रासी ज्यादा लगते हैं हमको, और ये इनके कैप्सूल्स बाहर एमर्जेंट करके निकल आते हैं। इनसे हम इनको अलग अलग जीनस और स्पीशीज को पहचानते हैं। तो इसी तरह के आप लोग ईटो के ऊपर लगे हुए देखते हैं, जैसे ये लगे हुए हैं, तो ये क्या है? ब्रायोफिटिक प्लांट्स है। इसमें फ्यूनेरिया है, स्फैग्नम है, पॉलीट्राइकम है, पुगोनेटम है, बहुत सारे ब्रायोफिटिक प्लांट्स आते हैं। अब देखिए हायर ग्रुप और आगे चले तो ये उनसे भी ज्यादा डेवलप्ड है, जिनको हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं। ये भी आप सेकंड सेम में पढ़ेंगे। तो देखिए टेरिडोफाइट्स ज्यादा डेवलप्ड है, इनमें ट्रू लीव्स प्रेजेंट होती हैं, और जब बड़ी बड़ी लीव्स हैं इनको हम फ्रॉन्ड्स कहते हैं, है ना। तो इसमें लाइकोपोडियम है, इसमें टेरिस है, इसमें मार्सेलिया है, ड्रायोप्टेरिस है। तो ये सब क्या है? फर्न्स है और टेरिडोफिटिक प्लांट्स है। लाइकोप्सिडा जो है वो लोअर ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट है, जिसमें लाइकोपोडियम आता है। आपके कोर्स में है सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, टेरिस, आप लोग पढ़ेंगे। तो इनमें डिफरेंस आपने किया। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अकरेंस और हैबिटेट। तो अकरेंस टर्म और हैबिटेट का मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं। हैबिटेट होता है आवास, जैसे हम लोग घरों में रहते हैं वो हमारा हैबिटेट है। इसी तरह से बर्ड्स ट्री पे रहती है वो उनका हैबिटेट है। तो इसी तरह हर प्लांट्स के, हर तरह के प्लांट्स के, चाहे वो लोअर ग्रुप के हों या हायर ग्रुप के, उनके हैबिटेट होते हैं। तो इसको हम अकरेंस या हैबिटेट कहते हैं। क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है इसमें। तो ब्रायोफाइट्स ग्रो डेंसली इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, इनको नमी और शेडी प्लेसेस पसंद है, एंड फॉर्म थिक कार्पेट और मैट, है ना। ये कारपेट और मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, पूरी एरिया को कवर कर लेते हैं। डैम सॉइल्स पे ये कारपेट बनाते हैं। दे कैन ग्रो ऑन रॉक्स, बार्क ऑफ ट्रीज, स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन। मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज आर टेरेस्ट्रियल, बट अ फ्यू स्पीशीज ग्रो इन फ्रेश वाटर और एक्वेटिक, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया भी था, दैट इज रिक्शिया फ्लुइटेंस, दिस इज एक्वेटिक। रिक्शियोकार्पस नीटेंस इज एक्वेटिक, रियला इज एक्वेटिक। ब्रायोफाइट्स आर नॉट फाउंड इन सी, है ना, ये समुद्र में नहीं पाए जाते, लाइक एल्गी। एल्गी आर मैरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर, लेकिन दीज आर फ्रेश वाटर। अगर एक्वेटिक है तो फ्रेश वाटर ही होंगी, लेकिन कभी कभी कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं, लाइक ग्रीमिया मैरिटीमा। ग्रीमिया मैरिटीमा सी वाटर के पास, सी वाटर में नहीं पाया जाता, इट्स नॉट एक्वेटिक, लेकिन जो उसके आसपास चट्टाने होती हैं, रॉक्स होते हैं, उनकी खांचों में पाए जाते हैं ये। और जब पानी की तेज लहर आती है तो ये इनको, इन तक पहुंच जाती है, यानी वाटर तो चाहिए इन्हें, तो वो होता तो सॉल्ट वाटर ही है, लेकिन ये वहां तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नियर मैरीन वाटर ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, सम ब्रायोफाइट्स ग्रो इन डाइवर्स हैबिटेट्स। कुछ ब्रायोफाइट अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लें स्फैग्नम। स्फैग्नम बॉग्स में ग्रो करता है, यानी डर्टी प्लेसेस, बॉग्स का मतलब होता है डर्टी और मार्शी प्लेसेस, और वहां पर ये बॉगी एरिया बना लेता है। डेंड्रोसिरोस नाम इंडिकेट कर रहा है, डेंड्रो में स्टेम, तो ये स्टेम पे पाए जाते हैं या लीव्स पे पाए जाते हैं। ये एपिफिटिक होते हैं, यानी दूसरे पौधों पर पाए जाते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेडुला प्रोटेंसा, इट इज एपिफिलस। एपिफिलस मतलब दूसरे पौधों की पत्तियों पर, जनरली फर्न्स की पत्तियों पर पाया जाता है, फ्रॉन्स पर पाया जाता है। देन नेक्स्ट इज पॉलीट्राइकम जूनिपेरम, दिस इज अ मॉस अगेन, इट इज एरोफिटिक, ये ड्राई कंडीशंस में रेगिस्तानों में पाया जाता है। देन टॉर्चुला म्यूरेलिस अनदर एग्जाम्पल, इट इज प्रेजेंट ऑन ओल्ड वॉल्स, जो हम देखते हैं ओल्ड वॉल्स पे प्रेजेंट है ब्रायोफिटिक प्लांट्स या मॉसेस, दीज आर जनरली टॉर्चुला एंड फ्यूनेरिया ऑल्सो प्रेजेंट ऑन ओल्ड वॉल्स। देन नेक्स्ट इज टॉर्चुला डेजर्टोरम, ये म्यूरेलिस था, ये डेजर्टोरम है, ये भी डेजर्ट में पाया जाता है, इट्स ऑल्सो डेजरोफिटिक। देन पोरेला प्लेटिफिल्ला प्रेजेंट ऑन ड्राई रॉक्स, चट्टानों पर, सूखी चट्टानों पर। देन बक्स बॉमिया एफिला, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज ऑल्सो अ मॉस, वेरी स्मॉल मॉस, प्रेजेंट इन सेप्रोफिटिक कंडीशन, बक्स बॉमिया एज वेल एज क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस, दी ये मॉस है, ये लिवोवर्ट है, ये सेप्रोफिटिक कंडीशन में पाई जाती है, यानी डेड ऑर्गेनिक वेस्ट पर। सम ब्रायोफाइट्स हैव ऑल्सो बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम डिफरेंट जियोलॉजिकल एरास, यानी ये फॉसिल्स भी मिले हैं इनके, जियोलॉजिकल एरर्स एरा का मतलब जो हम लोग समय भौमिक सारणी पढ़ते हैं फॉसिल स्टडी के लिए, कि कब कब कौन कौन से पौधे पाए गए, उनकी स्टडी करते हैं, उनकी लिंक बताते हैं कि इनसे कौन से पौधे डेवलप हुए, तो उनमें भी कुछ ब्रायोफिटिक प्लांट्स मिले हैं, जैसे सीनोजोइक एरा से मिला है मसाइटिस, मसाइटिस की स्पेशीज है येलोरेंसिस, और मिला है इनिशिया वर्मिकुलरिस, और कुछ मार्केंशिया की स्पीशीज मिली है, मार्केंटाइट मिला है पैलियोजोइक एरा से, तो इसका मतलब सीनोजोइक और पैलियोजोइक से इनको हमने पाया है, तो इनको हम कहते हैं फॉसिल ब्रायोफिटिक प्लांट्स। तो ये फॉसिल कंडीशन में भी थे, यानी पुराने समय में भी थे, और आज भी कुछ इनमें से प्रेजेंट है। नाउ कम टू जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, बहुत ही ब्रीफ में आपको बता रही हूँ जनरल क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिकमेंडेशन ICBN, इसको नोट कर लेंगे, ICBN क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, यानी पौधों को देने का, पौधों या पौधों के टैक्सॉन, उनके ग्रुप्स को नाम देने के लिए एक इंटरनेशनल कोड बनाया गया है, बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, बॉटनी के पौधों या उनके टैक्सॉन को नाम देने के लिए, इसको हम ICBN शॉर्ट में कहते हैं। इनके अकॉर्डिंग ब्रायोफाइट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। अब इसके लिए बहुत सारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अलग अलग ब्रायोलॉजिस्ट ने या ग्रुप ऑफ बॉटनिस्ट ने दिए। इन क्लासिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट दिए गए क्लासिफिकेशन, उसमें स्मिथ के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन 1938 एंड मॉडिफाइड इन 1955, देन बाय तख्ताजान इन 1953, देन वार्डलो इन 1955, देन शुस्टर इन 1958। सो द अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर व्हिच वाज गिवन इन 1956 बाय प्रोस्कॉयर, उन्होंने क्या कहा कि वी हैव टू मेक सफिक्स फॉर ईच क्लासेस, यानी जो भी हम टैक्सॉन दें उनके लिए, जैसे मान लीजिए अगर डिवीजन है तो फाइटा कहें, जैसे ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा है ना, तो ये टर्म दी जाए, और उसके बाद अगर क्लास को ट्रीट किया जाए, यानी उसके अंडर जो क्लासेस हो उनमें एंडिंग ऑप्सिडा रखी जाए, OPSIDA, ऑप्सिडा एंडिंग के साथ उनको खत्म किया जाए, तो इसके लिए 1951 में रॉटमेलर ने जो क्लासिफिकेशन दिया ये हम लोग जनरली फॉलो करते हैं। ही डिवाइडेड ब्रायोफाइटा डिवीजन इनटू 3 क्लासेस, फर्स्ट इज हिपैटिक सी, जिसका नाम रखा गया हिपैटिक ऑप्सिडा और लिवरवर्ट्स, सेकेंड एंथोसेरोटी, जिसका नाम एंथोसेरोटॉप्सिडा, ऑप्सिडा आ रहा है लास्ट में, और हॉर्नवर्ट्स, और थर्ड क्लास मसाई, नेम गिवन एज ब्रायोप्सिडा और मॉसिस। तो ये 3 तरह के ब्रायोफाइटिक प्लांट्स हैं, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसिस। ये जनरल क्लासिफिकेशन गिवन बाय रॉटमेलर, ब्रायोफाइटा डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, हिपैटिक ऑप्सिडा, एंथोसिटोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। अंडर हिपैटिक ऑप्सिडा 4 ऑर्डर्स वर ट्रीटेड,
First is Calobryes, second Jungermannias, third Markensias, fourth is Sarocarpes. ठीक है, then second class Anthoceratopsida included only one order Anthocerotales. Then Bryopsida having five orders Stegnales, Andriales, Bryales, Polytrichales and Buxbaumias. These all are mosses. अब इसमें मैं आपको अप टू द लेवल ऑफ फैमिली है तो आई विल टेक दिस क्लास इन योर क्लासरूम और एज परमिटेड ऑनलाइन उसमें मैं अप टू द लेवल ऑफ फैमिली आपको डिटेल दूंगी. ओके, तो मैंने एक ब्रीफ आइडिया आपको ब्रायोफिटिक प्लांट्स का क्लासिफिकेशन जनरल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट डिस्कस किया. ओके, दानिश लिख रहे हैं कि आप इसका पीडीएफ ग्रुप में भेज दीजिएगा तो आई विल ट्राई टू सेंड द पीडीएफ इन योर ग्रुप और अदरवाइज आई विल सेंड यू द यूट्यूब लिंक. यू विल स्टडी अगेन एंड मेक नोट्स अकॉर्डिंगली सून. आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑफ द चैप्टर सेपरेटली. एनी अदर क्वेरी यू मे राइट इन द चैट बॉक्स. Or you may raise your hand. I request all to join with your names. So I may mark your attendance here or you may write your attendance in the YouTube comment box. I'll try to take your class every day. As suggested by someone among you, so that we may cover the syllabus quickly and in continuation. I hope the topic is clear to you. If no query, I may end the class today. So see you in the next class. In the evening, Dr. Raghav will take your class. As he is having difficulty in approaching your classroom due to bad conditions of the road, so he will try to take your online class regularly. Jai Hind.